दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल निफ्टी या बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन ये सब सारा डिस्कशन सारा एनालिसिस करने से पहले मैं आपको जो रनिंग ट्रेड चल रही है हमारी ऑप्शन सेलिंग की, जो हमारी रनिंग ट्रेड चल रही है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जुलाई मंथ की हम ट्रेड रनिंग कर रहे हैं जो हमने फ्राइडे को क्रिएट की थी, और एक जून मंथ की चल रही थी जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जून मंथ की सीरीज जो चल रही थी आज मैंने इसको इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है। वो कैसे बुक किया है वो मैं आपको बता दूँ, पहले मैं आपको ट्रेड को समझा दूँ जून मंथ की जो मैंने आज एंड कर दी है, जिसमें लगभग 10,000 का प्रॉफिट हमने बुक किया है इस ट्रेड में जो हमने पूरे मंथ चलाई है। और एक लॉट से अगर हम काम कर रहे थे तो एक लॉट के हिसाब से हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो वन लॉट के हिसाब से हमने काम किया और 10,000 का इसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है और इस ट्रेड को हमने क्लोज कर दिया है। और अभी सिर्फ हमारी जुलाई मंथ की ट्रेड चल रही है, तो जून मंथ में हमने आपको बता आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने जो भी प्रॉफिट किया या लॉस किया उसके पीछे क्या लॉजिक रहा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जून मंथ की सीरीज़ में जो हमने काम किया था उसमें मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो ट्रेड बनाई थी सेलिंग किया था ऑप्शन में, यहाँ पे हमने 43,000 का पुट सेल किया था, आप ये देख सकते हैं 43,000 का पुट हमने सेल किया था। और उसके नीचे आप देखेंगे, एक सेकंड, ये हमारा पेन काम नहीं कर रहा है, चलो ठीक है देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए हमने जून मंथ की यानी कि मंथली मंथली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने 43,000 का पुट और 45,000 की कॉल को हमने सेल किया था, ठीक है। ये ट्रेड हमने बनाई थी, ये पेयर हमने, ये पेन क्या कर रहा है, सॉरी एक एक सेकेंड मुझे टाइम थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, ये 43,000 की कॉल और ये 45, सॉरी 43,000 की पुट और 45,000 का कॉल, 43,000 का पुट और 45,000 की कॉल, ये हमने कॉल को सेल किया था, कॉल एंड पुट को फिर सेल किया था। और इसमें एक्चुअली मैं ये पेन शायद सही से काम नहीं कर रहा है, चलो मैं आपको ऐसा समझाने की कोशिश करता हूँ दूर से ही। ये वाला और ये वाला हमने सेल किया था, इसमें आप प्राइस देखेंगे एंट्री प्राइस थी 127 की पुट की और कॉल की एंट्री प्राइस थी 229 रुपये की, ठीक है। और आज की डेट में ये तो 7 रुपये 3 रुपये हो गए, इनसे मतलब नहीं है। तो हमने पहले ये ट्रेड बनाई, लेकिन उसमें आप देखेंगे जब मार्केट जो है जब नीचे गिर गई थी, तो फिर मैंने 45,000 कॉल को हमने किस में शिफ्ट कर दिया था, इसको मैंने 45 पे बुक कर लिया था, 45 पे बुक कर लिया था, यहाँ पे आप देखेंगे 45 पे हमने बुक कर लिया था। और दूसरी ट्रेड बना दी थी 44,500 की कॉल को हमने सेल किया था, फिर से किस प्राइस पे, 110 के प्राइस पे हमने इसको सेल किया था, ठीक है, 110 के प्राइस पे सेल किया था। ये हमने दूसरी बनाई जिसको मैंने बाद में 57 पे बुक किया, क्यों बुक किया, क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा प्रीमियम हमारे बहुत ज़्यादा लो हो गए थे, इसलिए हमने 57 बुक कर लिया। उसके बाद में आप देखेंगे हमने इसको बुक किया, उसके बाद में हमने 43,800 की कॉल, पहले देखिए कॉल कॉल में ही मतलब मार्केट नीचे गिर रही थी, जून में मार्केट नीचे गिरी, अभी मैं आपको बताऊंगा चार्ट पे दिखाऊंगा कि जून में मार्केट कैसे नीचे धीरे धीरे नीचे आ रही थी। तो 43,000 की कॉल 44,500 पे आई, फिर 43,800 की 800 पे आई, ठीक है, पुट सेम रही और ये कॉल हम चेंज करते रहे, यानी कि हम नीचे शिफ्ट डाउन करते रहे कॉल को, इसमें हमने 200 पे एंट्री बनाई थी और यहाँ पर जब हमने इसको शिफ्ट डाउन कर दिया था उसके बाद मार्केट जस्ट एकदम से रिवर्सल ले ली थी, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चली गई थी, तो हमने इसको क्या किया 200 पे एंट्री की थी और 305 पे 350 पे हमने इसको एग्जिट किया, यानी मार्केट ऊपर निकल गई थी, इसलिए हमने जो हमारी डायरेक्शन थी उसके ऊपर निकल गई, इसलिए हमने यहाँ पे 350 पे इसको एग्जिट कर दिया था, क्योंकि हमें प्रीमियम मैच कराने थे, डेल्टा न्यूट्रल करना था, ठीक है, इसलिए हम इस पर निकल गए। फिर हमने क्या किया 43,800 से जब मार्केट ऊपर चली गई, फिर हमने 44,200 की कॉल, आप ये देखेंगे 44,200 की कॉल, ये हमने सेल की थी 169 के प्राइस पर हमने सेल की थी, ठीक है। यहाँ से हमने इतना लॉस ले लिया क्योंकि हमें ट्रेड को बैलेंस करना था, इसलिए ये हम ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ेंगे और मेरी वीडियोज़ को लगातार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एडजस्टमेंट कैसे किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं, अपनी ट्रेड को बचाने के लिए हमें ये एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो 43,800 को हमने 44,200 पे हमने शिफ्ट कर दिया, उसके बाद में आप देखेंगे ये 169 की जो कॉल थी वो मैंने 40 पे बुक की, और उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए जो पुट 43,000 का था वो आप देखिए 43,400 पे जब मार्केट ऊपर निकल गई, तो फिर हमने पुट को भी ऊपर हम खींच के लेके आए, पुट को भी ऊपर खींच लेके आए, जो हमने 104 पे सेल किया और फिर हमने इसको 30 पे बुक किया, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर निकल गई। फिर आप देखेंगे 43,400 से मार्केट 43,400 की पुट थी और फिर ये वाली जो कॉल थी 44,200 की कॉल थी जो 40 बुक की थी, फिर मैंने इसको कॉल को हमने किस पे किया 43,900 पे, 43,900 पे हम शिफ्ट कर दिया। तो अब हमारा जो लास्ट में जो पेयर बना था 43,400 का और 43,900 का ये पेयर बना था, जिसको मैंने आज 30 रुपये, इसको 30 रुपये पर, उसको 75 रुपीज़ पर एग्जिट कर दिया। तो ओवरऑल देखें लॉस प्रॉफिट निकाल के ओवरऑल जो ट्रेड क्लोज हुई है वो हमारी ट्रेड क्लोज हुई है कितने, 10,000 के प्रॉफिट में ट्रेड हमारी क्लोज हुई है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हमने जून मंथ की ट्रेड को हमने क्या किया है, क्लोज कर दिया है और अब इसमें हम काम इसका फिनिश हो चुका है। अब हम जो हमारी रनिंग ट्रेड चल रही है जुलाई मंथ की, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं, अभी स्टार्टिंग फेज़ में, अभी सिर्फ फ्राइडे को हमने ट्रेड बनाई थी और अभी मंडे निकला है, ट्यूजडे निकला है, बस 2-3 दिन निकले हैं, अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तो इस ट्रेड को आप लाइव फॉलो कर सकते हैं। इसकी मैं हर एक अपडेट जो है ये अपने टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर देता रहूँगा और आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको, ये वाली वीडियो अगर आप देखेंगे इसमें मैंने समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि मैंने जुलाई मंथ की ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट की है, ठीक है। उसके बाद में आप
को, ये देखिए मैंने ट्रेड यहाँ पे डाली थी, ये देखिए ये भी ट्रेड पड़ी हुई है, और ये देखो ये ट्रेड पड़ी हुई है, और आज की जो अपडेट है वो भी मैंने यहाँ पे आज डाल दी है। देखिए जुलाई मंथ की जो ट्रेड चल रही है उसमें मैंने क्या किया है, आज मैंने कॉल को शिफ्ट किया है, मतलब शिफ्टिंग पुट एज बिलो, मतलब पुट को हमने शिफ्ट किया है, जो 42,500 की पुट थी वो हमने 137 में निकाल दी है, और 43,300 की पुट को हमने एंट्री किया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारी जुलाई मंथ की ट्रेड है, ये देखिए जुलाई मंथ की ट्रेड है, और अभी ये हमारी स्ट्रेंगल इस तरीके का दिखाई दे रहा है, यहाँ बीच में क्लोज हुई तो मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 11,000 का है, इसमें मार्जिन कितना लग रहा है 90,000 का, 90,000 का मार्जिन लग रहा है, और टोटल परसेंटेज में देखें तो 12% का हमें प्रॉफिट मिल जाएगा अगर हमारी ट्रेड सही सलामत निकल गई तो। अभी हमें फिलहाल 865 का प्रॉफिट हो रहा है, अभी ये प्रॉफिट जब आज मार्केट 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर चली गई है तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, कल यही प्रॉफिट 1700 के आसपास पहुँच गया था। ठीक है कोई बात नहीं, ये शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे तो होता रहेगा, हमें अपने ट्रेड को बचाना है, लॉस में नहीं जाने देना है, यही कोशिश रहेगी, प्रॉफिट हमारा कम ज़्यादा होता रहेगा, देखते हैं प्रॉफिट कितना निकल सकता है। ठीक है तो सबसे पहले इसमें आप ट्रेड को समझ लें, देखिए जुलाई मंथ की ट्रेड है, 44,500 की कॉल हमने सबसे पहले इसको लिया है, और 42,500 यानी 2,000 पॉइंट की रेंज ली है, 44,500 का आपको यहाँ पे समझाता हूँ, 44,500 का हमने क्या लिया है कॉल, और 42,500 का क्या लिया है पुट, और इनकी एंट्री प्राइस क्या है, ये 397 और ये 200 रुपये पर हमने इसकी एंट्री ली है। ठीक है और आज हमने इसमें शिफ्ट, मतलब हमने फ्राइडे को ट्रेड बनाई थी और आज हमने इसमें एक एडजस्टमेंट भी कर दिया है, क्यों, क्योंकि मार्केट जो है ऊपर आज बहुत ज़्यादा भाग गई है, अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर भाग गई है। ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये वाला प्राइस कितना आ गया है, करंट प्राइस 443 रुपये, और ये वाला प्राइस आ गया है 117 रुपये, लेकिन मैंने पुट को नीचे से पुट को हमने काट दिया है 137 के रुपये, 137 के एग्जिट प्राइस है दोस्तों ये। ठीक है इस रेट इस पे हमने 137 पे हमने पुट को निकाल दिया है, और हमने नई पुट की एंट्री कर ली है जो कि है 43,300 की पुट को, मैंने 294 के भाव पर हमने यहाँ पर उसकी एंट्री ले ली है, और अभी प्राइस का 254 चल रहा है। ठीक है तो ये हमने एडजस्टमेंट किया है, इस एडजस्टमेंट को ध्यान में रखिए, और अभी इस एडजस्टमेंट के साथ में हमारा 665 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। कल देखते हैं मार्केट कहाँ जाएगी, अगर मार्केट हमें कुछ ज़्यादा तंग की, बहुत ज़्यादा और ऊपर निकलने की कोशिश की, तो फिर से हम इस पुट को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, जैसे 42,500 से लेके आए हैं 43,300 पे, तो अगर मार्केट फिर से फर्दर अगर आगे मूव करती है तो हो सकता है कि हम 43,500 या 43,600 पे भी पुट को शिफ्ट करें, ऊपर की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है ये अभी तक फिलहाल स्ट्रेटजी है, और अगर मार्केट नीचे आ गई तो अभी हम बहुत दूर हैं तो हम इसको सस्टेन कर लेंगे, इस तरीके का चार्ट बना हुआ है, अभी मार्केट यहाँ पर है, मार्केट और ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉब्लम होगी, अगर मार्केट नीचे आती है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर मार्केट नीचे, अभी मार्केट ऊपर जाएगी, इधर की तरफ जाएगी मार्केट तो हमें प्रॉब्लम होगी, और अगर नीचे की तरफ मार्केट जाएगी तो हमें प्रॉब्लम नहीं, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज ही होगा। ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, और लाइव अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको लाइव अपडेट देता रहूँगा। ठीक है अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, हालांकि यहाँ पिछले कुछ दिनों में अगर मार्केट को मॉनिटर कर रहे हैं तो मार्केट अपने नीचे से मार्च के एंड में यानी अप्रैल से मार्केट जो है कंटिन्यूस जो है मार्केट अप ट्रेंड में है, और यहाँ तक तो अप ट्रेंड में ही रही है, पिछले लगभग एक महीने से, 1-1.5 महीने से मार्केट बिल्कुल भी साइडवेज है, अगर आप यहाँ से देखें 15 मई से लेकर और आज जून भी पूरा खत्म होने जा रहा है, तो लगभग 1.5 महीने से मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, लेकिन जिस तरीके से आप बैंक निफ्टी का भी मैं चार्ट ओपन कर रहा किया हुआ हूँ और डेली चार्ट मैंने लगाया है, जिस तरीके की मार्केट में एक राउंड टॉप तरीके से बन रहा है तो समझ में तो ये आ रहा है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट कोशिश कर भी रही है नीचे जाने की, लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट में क्या हो रहा है, ये देखिए मार्केट ऊपर आई और यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप टाइप का बना रही है, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पे सेलर हावी होते हैं और मार्केट में थोड़ी थोड़ी सी सेलिंग आती है और मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाती है, फिर से इसमें बाहर आ जाते हैं, आज फिर से यहाँ पे आप देखेंगे तो सेलर को यहाँ पे ट्रैप किया गया हुआ है, अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो सेलिंग की मार्केट थी और आज सेलर को यहाँ पे ट्रैप कर दिया इस बड़ी कैंडल ने, 500 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ दिया है, यानी जितने सेलर थे सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर कर दिया है, लोग सोच रहे थे कि मार्केट गिरेगी यहाँ से सेल कर दो, और सेल करने जो गए उनका सारा सबका स्टॉप लॉस आज की मार्केट ने खा लिया, तो मार्केट में प्रिडिक्शन जो है हमें करनी चाहिए, लेकिन मार्केट लाइव मार्केट में जैसे मार्केट कहे वैसी डायरेक्शन में हमें मूव करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको 15 मिनट के चार्ट में आप दिखाऊँ, मार्केट में ऊपर गैप अप ओपन हुई उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, तो यहाँ पे लोगों को लगा कि ऊपर से प्राइस रिजेक्शन हो रहा है या मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया और मार्केट फिर से ऊपर गई, लेकिन फिर से इस हाई को नहीं निकाल पाई, फिर से मार्केट नीचे आई, तो अब यहाँ से अब सेलिंग इसमें आ सकती थी, लाइव मार्केट में जब आप बैठेंगे तब तो आपको पता चलेगा यहाँ से सेलिंग आ सकती थी क्योंकि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हुआ, लेकिन मार्केट नीचे ना गई अगर, और यहाँ से मार्केट फिर से घूम गई, जब मार्केट फिर से घूमती है अब यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। देखिए देखिए दोस्तों मार्केट के प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी है, मार्केट राउंडिंग बॉटम बनाया फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई, और यहाँ से अगर ये इसके लो को तोड़ के अगर नीचे चली जाती तो मार्केट में एक पैनिक हो जाता, मार्केट नीचे जा सकती थी, लेकिन इसके लो को नहीं तोड़ा, मार्केट यहाँ से घूम के इस हाई को तोड़ा, देखिए एक ये
हाई था, एक ये हाई था, और इन दोनों को निकाल के यहाँ पे मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया। तो जब यहाँ पे मार्केट आई तो मुझे ये बड़ी कैंडल भी बन गई, तो मुझे एक ट्रिगर हुआ कि अब मार्केट में ये हो सकता है कि मार्केट अब ऊपर जा सकती है। ठीक इसी टाइम के आसपास अगर आप देखेंगे तो मैंने अपनी पोजिशन को, जो जून मंथ की जो जो हमारी ट्रेड थी उसमें भी जो 10K का प्रॉफिट हो रहा था, मैंने कहा कि प्रॉफिट ठीक ठाक आ रहा है तो मार्केट में यहाँ पर प्राइस एक्शन बना दिया है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई तो हमारा जो 10K का प्रॉफिट है जून मंथ का वो हमारा सारा चला जाएगा। तो मैंने वहाँ पर जून वाली सीरीज़ में प्रॉफिट बुक किया, पूरा खत्म किया उसे। और जुलाई वाली सीरीज में हमने, जुलाई वाली जो सीरीज हमारी चल रही है, जुलाई मंथ की जो ट्रेड चल रही है, इसमें मैंने तुरंत जो है पुट को शिफ्ट किया। तो इस प्राइस एक्शन को देखते हुए हमने अपनी दोनों पोजीशन में एडजस्टमेंट कर दिया, एक को तो प्रॉफिट बुक कर दिया और एक में जो जुलाई मंथ की चली उसमें हमने एडजस्टमेंट कर दिया, और वो एडजस्टमेंट हमारा बहुत ही कारगर रहा। मार्केट उसी तरीके से, मार्केट जब हाई तोड़ा, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गई और उस एडजस्टमेंट ने हमें बचा लिया। जो जो हमारा लगभग 800, लगभग ये 1500-1600 को प्रॉफिट था, 800 के आया। अगर मैं ये एडजस्टमेंट नहीं करता तो हो सकता था ये निगेटिव में भी चला जाता, इतना प्रॉफिट हमारा, ये जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है, हो सकता था ये प्रॉफिट जो हमारा निगेटिव में चला जाता। तो एडजस्टमेंट करने करके हम इन सब चीज़ों को, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट देखिए, ट्रेड डालना बहुत ही सिंपल है कि 1000 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट के नीचे, 1000 पॉइंट की ऊपर कॉल सेल कर दो और 1000 पॉइंट के नीचे पुट सेल कर दो और ट्रेड डाल दो। ये ट्रेड तो कोई भी डाल सकता है, लेकिन एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। मेन जो स्किल है वो एडजस्टमेंट की है दोस्तों, तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान में रखें। दोस्तों हो सकता है आपको वीडियो बड़ी लग रही हो, बड़ी जा रही है, थोड़ा लेंथी हो रही है, लेकिन आप इन सब चीज़ों को, पॉइंट को समझेंगे तो आप मार्केट में बने रहेंगे, टिके रहेंगे और पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर इन पॉइंट्स को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम्स हैं। तो निफ्टी की प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी की प्रोडक्शन तो हम लोग कर रहे हैं कि राउंडिंग टॉप बना रहा है, मार्केट नीचे आने की संभावना है, लेकिन मार्केट में एकदम से 500 पॉइंट का मूव आ जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो लाइव मार्केट की जो ट्रेडिंग होती है वो अलग होती है, और जब आप ऑफ मार्केट आप एनालिसिस करते हो वो अलग रहती है, उसकी अलग एक कहानी है और लाइव मार्केट की अलग कहानी है। तो मैं जो है लाइव मार्केट का जो प्राइस एक्शन होता है इसको ज़्यादा महत्व देता हूँ। इस चीज़ को आप समझिए, इस प्राइस एक्शन को समझिए, तभी आप मार्केट में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी कल क्या कर सकती है, निफ्टी की प्रिडिक्शन कल क्या हो सकती है और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन क्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का हो गया, निफ्टी का भी अगर आप देख लीजिए, निफ्टी 50 में भी सेम यही पोजीशन चल रही है। निफ्टी 50 ने अभी फिलहाल हाई नहीं अपना तोड़ा है ऊपर वाला, जो इसका लाइफ टाइम हाई है, लेकिन बैंक निफ्टी तो अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ के ऊपर निकल गई है। तो बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा तेजी दिखा रही है निफ्टी के कंपेयर में अगर हम देखा जाए तो। तो निफ्टी में भी वही था, अभी यहाँ पे उतना अच्छा राउंडिंग टॉप नहीं बना था, हल्का सा मार्केट 2 दिन नीचे गिरा, उसके बाद इसने रिकवर कर लिया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे वीकनेस नहीं दिखाई दे रही निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी में तो मुझे वीकनेस दिखाई दे रही थी, लेकिन आज उसने सेलर को ट्रैप कर दिया। ठीक उसी तरीके से चार्ट सेम निफ्टी का भी है, लेकिन यहाँ पर उतना अच्छा कन्फर्मेशन नहीं है सेलिंग का बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही चार्ट बना है, 5 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे। सॉरी, ये देखिए, ये ऊपर से रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे इसने यहाँ यहाँ तक गया प्राइस, उसके बाद फिर से रिजेक्शन हुआ ऊपर के लेवल पे, फिर यहाँ पे इसने प्राइस ऊपर की तरफ, प्राइजेक्शन बनाया ऊपर की तरफ, यहाँ पे आप देखिए ब्रेकआउट दे दिया। ये इस कैंडल ने यहाँ पे इसके जो इंटरडे हाई था उसको भी तोड़ के ऊपर निकल गई। तो सेम प्राइजेक्शन यहाँ पर ही बना हुआ है, यहाँ पर उतना क्लियर नहीं है जितना बैंक निफ्टी में क्लियर है, निफ्टी में उतना क्लियर नहीं है। तो निफ्टी में शायद मैं ट्रेड नहीं लेता, और मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी को फॉलो करता हूँ, तो उसमें मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। यहाँ पर देखिए बहुत ही क्लियर प्राइजेक्शन बना है, और यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रहा था कि अपनी ट्रेड को आप बचा लो अगर आपकी कोई पोजीशन बच पड़ी हुई है तो। ठीक है, तो दोस्तों एनालिसिस यही कहती है कि अगर डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव साइन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इंट्राडे में मार्केट बुलिश बन गई। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया गया हो, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ऊपर गई हो, हो सकता है कल फिर से मार्केट गिर जाए 400-500 पॉइंट, हो सकता है 1000 पॉइंट भी गिर जाए। ठीक है, तो जब मार्केट गिरनी होती है ना दोस्तों, तो इस तरीके से आपको मौका नहीं देती है, वो एकदम से गिरती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है सेलिंग करना है और आपने सेल कर दिया और आप बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन गिरेगी उस दिन आपको सेलिंग करने का मौका ही नहीं देगी, आपको इंट्राडे का प्राइस पकड़ना है, प्राइस एक्शन पकड़ना पड़ेगा। उस गाड़ी पर अगर आप बैठ गए तो आपकी नैया पार हो जाएगी, अदरवाइज आप उसको मिस कर दोगे उस रैली को। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, इतनी एनालिसिस करेंगे और कल देखेंगे कल क्या होता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। कल तो मार्केट ओपन रहेगी, परसों शायद मार्केट बंद रहेगी, ईद का फेस्टिवल है उसकी वजह से। तो कल का देखते हैं मार्केट क्या है, फिर उसके बाद में आगे की एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। ठीक है, और जो भी एडजस्टमेंट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे तो अपडेट करता ही रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।